दिन दिहाड़े फाइनेंसर नू कीता गया किडनैप। परिवार तो मंगी 40 लाख रुपए की फिरौती। परिवार ने हुण तक 8 लाख रुपए दिते किडनैपरां नू। ट्रैप लगा के पुलिस ने छुड़वाया फाइनेंसर। दस दिए कि एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जिथे कि एक फाइनेंसर नू दिन दिहाड़े किडनैप कर लिया गया। हालांकि किडनैप करने तो बाद कहा जा रहा है कि परिवार के कोलों ती 40 लाख रुपए की फिरौती मंगी। हालांकि परिवार ने पहला फोन आने ही किडनैपरों को 8 लाख रुपए फिरौती भी दे दी। बाद दे विच हाले तक किडनैपर ने फाइनेंसर नू नहीं सी छड्या, तां परिवार ने इसकी सूचना पुलिस नू दिती। पुलिस ने ट्रैप लगा के हुण फाइनेंसर नू छुड़वा लिया किडनैपर के चंगुल दे विचों, ते कईयां नू इस दे विच हिरासत च लिया गया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम दे विच एक औरत का भी नाम शामिल दसिया जा रहा है। तो दस दिए कि मामला बठिंडा तो सामने आया, जिथे कि एक फाइनेंसर नू 3 दिन पहला किडनैप किया गया सी। किडनैप करने तो बाद कहा जा रहा है कि परिवार के कोलों 40 लाख रुपए की फिरौती मंगी गई। हालांकि परिवार ने पहला फोन आने ही उन्होंने 8 लाख रुपए किडनैपरों नू दे दिते, पर बावजूद इस दे उन्होंने वालों जो फाइनेंसर थी उसने छड़िया नहीं सी गया। तो जो इस दे सूचना पुलिस नू दिती गई, तो पुलिस ने ट्रैप लगा के जो किडनैपर थी उन्होंने काबू कर लिया, तो फाइनेंसर नू छुड़वा लिया। तो दस दिए कि साहिल वजों इस फाइनेंसर की पहचान हुई है, तो 3 दिन पहला इसनों किडनैप किया गया सी। पर हाले तक पुलिस के वलों कोई भी बयान सामने नहीं आया, पर कहा जा रहा है कि जल्द ही इस मामले नू लैके पुलिस के वलों वड्डा खुलासा किया जा सकता है। दिन दिहाड़े फाइनेंसर नू किया गया किडनैप। परिवार तो मंगी 40 लाख रुपए की फिरौती। परिवार ने हुण तक 8 लाख रुपए दिते किडनैपरों नू। ट्रैप लगा के पुलिस ने छुड़वाया फाइनेंसर। दस दिए कि एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जिथे कि एक फाइनेंसर नू दिन दिहाड़े किडनैप कर लिया गया। हालांकि किडनैप करने तो बाद कहा जा रहा है कि परिवार के कोलों ती 40 लाख रुपए की फिरौती मंगी। हालांकि परिवार ने पहला फोन आने ही किडनैपरों नू 8 लाख रुपए फिरौती भी दे दी। बाद दे विच हाले तक किडनैपरों ने फाइनेंसर नू नहीं सी छड्या, तां परिवार ने इसकी सूचना पुलिस नू दिती। पुलिस ने ट्रैप लगा के हुण फाइनेंसर नू छुड़वा लिया किडनैपरों के चंगुल दे विचों, ते कईयां नू इस दे विच हिरासत च लिया गया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम दे विच एक औरत का भी नाम शामिल दसिया जा रहा है। तो दस दिए कि मामला बठिंडा तो सामने आया, जिथे कि एक फाइनेंसर नू 3 दिन पहला किडनैप किया गया सी। किडनैप करने तो बाद कहा जा रहा है कि परिवार के कोलों 40 लाख रुपए की फिरौती मंगी गई। हालांकि परिवार ने पहला फोन आने ही उन्होंने 8 लाख रुपए किडनैपरों नू दे दिते, पर बावजूद इस दे उन्होंने वालों जो फाइनेंसर थी उसने छड़िया नहीं सी गया। तो जो इस दे सूचना पुलिस नू दिती गई, तो पुलिस ने ट्रैप लगा के जो किडनैपर थी उन्होंने काबू कर लिया, तो फाइनेंसर नू छुड़वा लिया। तो दस दिए कि साहिल वजों इस फाइनेंसर की पहचान हुई है, तो 3 दिन पहला इसनों किडनैप किया गया सी। पर हाले तक पुलिस के वलों कोई भी बयान सामने नहीं आया, पर कहा जा रहा है कि जल्द ही इस मामले नू लैके पुलिस के वलों वड्डा खुलासा किया जा सकता है।